बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। बस इतना ही कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को कर करके बच्चों की जॉब लग जाती है, और इन क्वेश्चंस को ही छोड़ करके बच्चे बाद में ये बोलते हैं कि मैं एक या दो या तीन नंबर से रह गया, क्योंकि ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है ना। इन्हें आज की क्लास में पूरी तरह से समझाया जा सकता है, सिर्फ प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने डाले गए हैं। टॉपिक का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव की बातें होती हैं। फालतू बातें रोक के एक ज़रूरी बात आपके लिए है, अभी मैंने एक क्लास 39 पढ़ाई थी, उसमें एक सवाल आया था प्री पोजिशन के ऊपर, वो था, लेकिन बच्चों का सवाल है कि कीप के साथ हिमसेल्फ नहीं आता। नोट कर लेने से आप थोड़ी गलतफहमी में हैं अभी। अगर आपसे किसी ने ये कहा हो कि कीप के साथ हिमसेल्फ नहीं आता, तो इसे आप सीमित रखो सिर्फ यहाँ तक, कीप हिमसेल्फ और ऑफ और फ्रॉम। अगर इस टाइप का आपको फॉर्मेट मिलता है, कीप योर सेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ से मतलब नहीं है, यहाँ कोई सा भी रिफ्लेक्सिव केस हो, कोई सा भी रिफ्लेक्सिव केस हो यहाँ पर, तो कीप रिफ्लेक्सिव केस ऑफ फ्रॉम बैड बॉयज, डॉग्स, सांप, कुछ भी हो यहाँ पे, मतलब इन चीज़ों से आपको अपने आप को दूर रखना है। तो दूर रखने का जब मीनिंग आता, ये आपके लिए हिंट है, सिग्नल है, तो ये नहीं आता बच्चों। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कीप योर सेल्फ नीट एंड क्लीन, ये गलत नहीं है, अपने आप को साफ सुथरा रखो। कीप योर सेल्फ अवेयर ऑफ करेंट अफेयर्स, ये बढ़िया है। तो कीप के साथ रिफ्लेक्सिव केस कब नहीं आएगा, जब कीप ऑफ कीप फ्रॉम हो, मीनिंग इसका होगा दूर रहना, तो नहीं आएगा। ठीक, वो सही है, वहाँ पर उसने अपने आप को नदी में तैरता हुआ रखा, कुछ ऐसा था वहाँ पर, वो सही है, दूर रखने के मामले में नहीं आएगा। ठीक है ना, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला देखें। देखो बच्चों, मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारी प्रैक्टिस क्लासेस हैं, इसमें हम जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनकी उम्मीद लेकर के उन्हें समझा रहे हैं, बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है, तो इसमें समझाने का तो कोई मामला है नहीं। लेकिन इतना बता सकते हैं कि सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगला वाला मीनिंग है जो रूट, जो था जो रूट, वो बाहर खेलने के लिए, सॉरी बाहर टहलने के लिए चला गया, तो बच्चों फिनिशिंग नहीं होगा, बल्कि ऊपर जो फिनिशिंग है उसके बदले में हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड। अब एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हुआ, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ऑन टाइम, समय पर काम पूरा करके जो रूट बाहर टहलने चला गया। मेरा आंसर पहले पार्ट में है और आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर द ट्रिप टू लंदन, लंदन की ट्रिप के लिए सेलेक्ट किए जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो आप ये बताओ, ये हैविंग बीन सेलेक्टेड जो है पैसिव वॉइस का परफेक्ट पार्टिसिपल है ना, अब आप बताओ यहाँ ये तो आएगा नहीं, इन्हें हटाओ, लेकिन इसमें और इसमें कंपटीशन है। तो आप बताओ, मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, मैं खुश था, तो मुझे ही तो सेलेक्ट किया गया है ना, या मैंने सेलेक्ट करा है किसी को, बच्चों मुझे किया गया है। और जब सब्जेक्ट के ऊपर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो वो पैसिव वॉइस में ही आता है। अगर वहाँ हैविंग सेलेक्टेड कर दोगे तो फिर मैंने किसी को सेलेक्ट कर लिया, अभी है मुझे सेलेक्ट किया गया। मैं साफ तौर पर ये बात बोल दूं, आप अपना टाइम ख़राब मत करो, इस वीडियो को सिर्फ वो देखो जिन्होंने कहीं ना कहीं या मेरे पास नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ी हो, या कहीं भी पढ़ी हो जिसमें पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव हो, वरना बच्चों आप इसमें टाइम ख़राब मत करो, ये आपके लिए नहीं है। फिलहाल ये वो पढ़ेंगे जो नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं। आंसर नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फॉर हिज वर्क जॉली लेफ्ट द कंपनी, सेंटेंस पे ध्यान दो, जॉली ने कंपनी छोड़ दी एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, और अपना काम करना शुरू कर दिया। बच्चों आपको नहीं लग रहा कि ये आएगा, नॉट हैविंग बीन रेस्पेक्टेड, मतलब जॉली जो है जब उसे इज्जत नहीं दी गई, जॉली को जब इज्जत नहीं मिली, पैसिव वॉइस में नोट भी लगना जरूरी है, तो उसने भी काम छोड़ दिया, तो उसके काम के लिए जब उसका सम्मान नहीं किया तो जॉली ने कंपनी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। यहाँ नॉट का मीनिंग जरूरी था वो नहीं है, यहाँ पैसिव होना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम उसी से बनेगा और नॉट भी चाहिए मुझे। तो अपने काम के लिए जब उसे इज्जत नहीं मिली तो उसने कंपनी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुरू में ब्लैंक विद प्राइड ही वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेज, बच्चों विद प्राइड को मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ, जैसे एट द न्यूज़,
नोट कर लेना, इन्हें सब फॉर्मेट को कभी बाद में कोई बताया नहीं था, या विद द परफॉर्मेंस, ये प्रीपोजिशन का मामला आ गया, परफॉर्मेंस, या इन द वर्क, या बच्चों एट द रिजल्ट, जब आपको लगे ऐसे शुरू में प्रीपोजिशन दी गई है और अब आंसर लगाना है आपको, तो बच्चों इसके लिए पास्ट पार्टिसिपल की व्यवस्था है। यहां सरप्राइज्ड आएगा, न्यूज पर आश्चर्यचकित होकर, दूसरे में आएगा सेटिस्फाइड पास्ट पार्टिसिपल, सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, तीसरे में इंटरेस्टेड आएगा, इंटरेस्टेड इन द वर्क, अगले वाले में अलार्म्ड आएगा, और ऐसे ही बच्चों इसमें आएगा फिल्ड विद, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का पार्टिसिपल लगा हुआ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, और ये पैसिव वॉइस में ही आ सकती है, तो ये सब बेकार है बिल्कुल एकदम। आंसर चौथा है, हैविंग फिल्ड करोगे तो विद नहीं आ सकता क्योंकि पैसिव वॉइस में है। घमंड से भरा होकर, सॉरी यहां गर्व है, गर्व से भरा हुआ होकर ही वॉक्ड टूवर्ड्स द स्टेज, वे स्टेज की तरफ चला गया। ध्यान रखना यहाँ सरप्राइजिंग, हैविंग सरप्राइज्ड सब बेकार, सेटिस्फाइंग, हैविंग सेटिस्फाइड सब बेकार, इंटरेस्टिंग, हैविंग इंटरेस्टेड सब बेकार, अलार्मिंग, हैविंग अलार्म्ड सब बेकार, बस यही फील्ड अलार्म्ड इंटरेस्टेड सेटिस्फाइड, और इसमें रोल निभाएंगी प्रीपोजिशन, नोट कर लेना, नया हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैविंग रीड द इंस्ट्रक्शंस ट्वाइस, दो बार दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद, आई स्टिल अभी भी कुडंट अंडरस्टैंड, में समझ न सका कि मुझे क्या करना है, आपको ऐसा नहीं लग रहा के बावजूद, दो बार संकेतों को पढ़ने के बावजूद, मेरा आंसर ये हो गया, इसमें ऑफ की कमी, इसका के अनुसार मीनिंग होता है, ये होता के कारण, जबकि मीनिंग बन रहा दो बार चीज पढ़ ली फिर भी समझ नहीं पा रहा है, तो दो बार पढ़ने के बावजूद मैं समझ नहीं पाया कि इसे यूज कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप इसका आंसर टेलीग्राम पर से लगाया करो, यहां सॉल्यूशन लिया करो, या वीडियो रोक के आंसर लगाया करो, मेरे आंसरों को इंतजार मत किया करो, मेरा तो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि सही थे या गलत थे, ऐसे करके करा करो, वरना क्लास का कोई फायदा थोड़ी है। बच्चों ये बताओ, जो घायल व्यक्ति है इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, अब ये सब्जेक्ट है मेरा, तो बताओ इधर वाला काम जो है ये घायल व्यक्ति करेगा या इसके ऊपर किया होगा, ऊपर किया गया होगा, आंसर लगा देंगे तीसरा। सुरक्षित निकाले जाने के बाद घायल व्यक्ति को जेल भेज, सॉरी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल भेज दिया गया, तो बच्चों इसे निकाला गया है ना, इसने थोड़ी निकाला किसी को, पैसिव वॉइस का पार्टिसिपल, मैं ये बहुत अच्छे तरीके से क्लास में सिखा चुका हूं आप लोगों को, और इसकी तैयारी कर लो आप, ये जॉब डिपेंड रहती है जिन क्वेश्चंस के ऊपर वो चल रहा है, आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई कैन नॉट हेल्प, बच्चों कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प के बाद में टू बाइट नहीं बल्कि बाइटिंग आता है, तो नियम है कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट बियर, कुड नॉट बियर, ये रहा, कैन नॉट का कांट भी कर सकते हैं, और कुड नॉट, कैन नॉट और कुड नॉट हेल्प, हेल्प बियर, बेयर, इनके बदले में टॉलरेट भी कर सकते हैं आप, इन सब के बाद में आती है बच्चों मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गलती दूसरे पार्ट में, यानी कि इसमें, मैं अपने नाखून काटने से अपने आप को रोक नहीं पाता हूं जब मैं नर्वस होता हूं, टू बाइट का बाइटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कांट हेल्प होता अगर तो आईएनजी, लेकिन बट की एंट्री हो गई, अभी जो आपने पढ़ा वो था कैन नॉट हेल्प, लेकिन अब बच्चों बट आ गया, नोट कर लेना, इसे बट के आते ही डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, ना आईएनजी ना टू फर्स्ट फॉर्म, आंसर है चौथा। मैं ये सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि, मतलब मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को कि तुम सिर्फ अपना एनर्जी खराब कर रहे हो, तुम अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो कैन नॉट हेल्प होता तो आईएनजी आती, लेकिन बट आने से डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Do you still remember, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम पिछले गर्मियों में अपने माता, अपने दादा दादी से मिल चुके हो, विजिटिंग लगा दो, किसी को प्रॉब्लम है तो याद दिलवाऊं, परफेक्ट पार्टिसिपल, रिमेंबर के बाद में अगर अगला काम
पहले ही हो चुका है और अब याद है या नहीं, ऐसा बोलना है। तो तीन आंसर, रिमेम्बर के बाद या तो जीरण डायरेक्ट आई एन जी जो मैंने लगा दिया, या इसके बदले में हैविंग विजिटेड भी आ सकता, या टू हैव विजिटेड भी आ सकता है। मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुंचा दूं, लेकिन ये क्लासेस उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगी जो सिलेबस पूरा कर चुके हैं। दोहरा दूं मैं बात अपनी, आंसर बच्चों दूसरे पार्ट में जो है हमें करना है, तो आंसर हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, ही हैज ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हो या बच्चों ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के रूप में कुछ भी हो, दोनों के साथ टू आता, नोट कर लेना इसे। ही हैज ए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आई इंजी आती, ही हैज अगर यहाँ पे गेट होता बच्चों, गेट तो वो भी गलत होता, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन सब करवाया हुआ है, तो उसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है मेरे जल्दी उठने पर, या जल्दी उठने पर उसे आपत्ति है। आंसर बच्चों टू आएगा, ऑन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दे परसिस्टेड बच्चों, ये इंसिस्टेड नहीं है, ये परसिस्टेड है, इसके साथ इन आती है, नोट कर लेना। इंसिस्ट होता तो ऑन आती, चली गया रहा क्लास में। तो दे परसिस्टेड इन गोइंग देयर इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर, तो बुरे मौसम के बावजूद वो वहां जाने पर अड़े रहे, अड़ना होता जाने पर, अड़ना काम पे अड़ना, इन आएगा बच्चों, इंसिस्ट होता ऑन आता। आर यू ब्लैंक, पहले तो मुझे बताओ आर के बाद में यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्या, नहीं आएगी, इसे काट दो, इसे काट दो, बचा ये वाला और ये वाला, तो ये बताओ आर यू क्या तुम हो, तो क्या तुम इरादा हो या इरादा किए हुए हो, नोट कर लेना, ये नाउन था काट दो, ये एडजेक्टिव है और इसके साथ ऑन आती है। अब दो वर्ब देख लो आप, इंटेंड अगर कहीं लगानी पड़े तो ये वर्ब है, इसके साथ आती है टू फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बच्चों ध्यान से देख लो थोड़ा सा फर्क है, ये इंटेंट है और ये एडजेक्टिव है और इसके साथ आती है ऑन और आई एन जी, नोट कर लेना इसे। इंटेंट एडजेक्टिव है, इंटेंट वर्ब है, उसके साथ टू फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है, इसके साथ ऑन आती है, तो ये एडजेक्टिव था इसलिए आंसर लग गया। क्या तुम इरादा किए हुए हो मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने का, आंसर पहला है, बढ़िया सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 13, द सोल्जर्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू ब्लैंक फ्रॉम फायरिंग द गन्स, फ्रॉम है तो इंसिस्ट नहीं आएगा, ऑन चाहिए था, परसिस्ट नहीं आएगा, इन चाहिए था, फॉरबिड नहीं आएगा, टू फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, आंसर डिजिस्ट के साथ फ्रॉम आती है, मीनिंग बन जाएगा सैनिकों को आदेश दिया जा चुका है कि उन्हें अपनी गनों का इस्तेमाल नहीं करना है, डिजिस्ट कर दिया गया उन्हें। स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पेड देयर फीस, वो छात्र जिन्होंने अपनी फीस जमा नहीं की है विल बी, बच्चों जब एग्जाम हॉल से जाने में रोकते हो, एग्जाम देने से रोकते हो, तो इसका आंसर डिबार होता है, ये खास तौर से बनी हुई है एग्जाम वगैरह देने से रोकने के लिए, हालांकि इसके साथ भी फ्रॉम आता है लेकिन आंसर नहीं है, इसके साथ भी फ्रॉम आता है, इसके साथ भी फ्रॉम, तीनों लेंगी, लेकिन जो एग्जाम हॉल से रोकने के लिए खास वोकेबलरी वर्ड पावर है वो डिबार्ड है। तो जो छात्र फीस जमा किए हुए नहीं है उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब करवाया हुआ है इसलिए तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि प्रैक्टिस का मामला चल रहा सारे का सारा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं शब्दों में नहीं बता सकता आपको। 6 कंट्रीज वोटेड फॉर द चेंज, 6 देशों ने बदलाव करने के लिए वोट दिया, 5 ने वोट इसके खिलाफ किया, एंड 2 एब्सटेंड। जब वोट डालने की बारी आए और वोट ना डाले कोई, या वोट डालने से रोक ले किसी को, तो एब्सटेंड का यूज करना वहां पे, बाकी नहीं लगाना आपको, मजबूरी में कुछ और देखेंगे, फिलहाल तो सब गलत है आंसर। तो मैंने 2 स्पेशल शब्द बताए आपको, एग्जाम हॉल से, एग्जाम में जाने से, एग्जाम देने से रोके तो डिबार, और वोट के लिए एब्सटेन आएगा, नोट कर लेना। नॉट विशिंग टू डिसप्लीज हर, उसकी इच्छा नहीं थी उसे नाराज करने की, इसलिए उसने क्या करा, ही अवॉइडेड, बच्चों आंसरिंग होगा यहां पर, आंसरिंग, क्योंकि अवॉइड के बाद में जो आती है डायरेक्ट मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म, यानी कि जीरंड आती है, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती इसके साथ में, तो हमने कर दिया अपना काम, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी। तो उसकी इच्छा नहीं थे उसे नाराज करने की, तो वो बची आंसर देने से, उसने आंसर ही नहीं दिया, कभी वो नाराज हो जाए, आंसरिंग होगा, एक नंबर मिल जाएगा आपको। गलती कौन से पार्ट में बच्चों, सी पार्ट में, आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीइंग ए नेग्लिजेंट वर्कर, एक लापरवाह कर्मचारी होने की वजह से बॉस ने फायर्ड हिम उसे निकाल दिया, तो बच्चों बॉस ने निकाला है, नेग्लिजेंट वर्कर बॉस है या ये हिम था, तो बच्चों यहां लगाना पड़ेगा आपको ही, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट दोनों तरफ के काम ना संभाल पाए तो हमें इधर वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल को सब्जेक्ट देना पड़ता, बहुत टाइम दिया है मैंने इसको, पर नॉन फाइनाइट वर्ब में। क्वेश्चन नंबर 17 का पहले पार्ट में गलती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट,
फिर आगे दोबारा बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन होने की वजह से ही वाज, तो इसे जो है ना स्कॉलरशिप दी गई है। तो बच्चों ये इंटेलिजेंट कौन होगा, यही तो होगा ना, नोएरा सेंटेंस है। तो जब हमारा सब्जेक्ट दोनों तरफ के काम संभाल ले, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी और अगला क्लोज भी, तो शुरू में कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा जैसे इसमें नहीं आया। और अगर ये सब्जेक्ट इधर का काम ना संभाले, इधर का संभाले, तो इधर सब्जेक्ट देना पड़ता है जो पीछे वाले ने किया था। इसमें बच्चों कुछ नहीं आएगा, नो एरर सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई सा, बच्चों सा के बाद में मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म आती है और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, उसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब समझा दिया क्लास में। इसमें हिज गलत, ये दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा जब ये नहीं मिलेगा, दूसरे पर आ जाएगा ये गलत है। टू टाइप तो पेपर में भी काट देना अगर एरर में आया तो। मैंने उसे एक लव लेटर टाइप करते हुए देखा, आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना ना बच्चों, और इसमें क्या समझाऊं मैं, समझाने की चीज ही नहीं है, समझा करके सिर्फ टाइम खराब करना, ओनली प्रैक्टिस। और क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, कल की क्लास आर्टिकल की होने जा रही है। अच्छा, आर्टिकल की क्लास कोई भी पढ़ सकता है, जो बिगनर हो वो भी पढ़ सकता है, वो ऐसी चीज होती है, कल समझा देंगे। हैव यू एवर हियर्ड के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और आपको बताया गया था प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम आंसर है। क्या तुमने कभी उसे बॉलीवुड गाना गाते हुए सुना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शुरू में ब्लैंक, फूड एंड सर्व, इतना देखो आप एंड के बाद में, एंड सर्व इट टू द गेस्ट्स, आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे और फिर मेहमानों को दे देना, तो बच्चों एंड के बाद में इंपेरेटिव है, एंड से पहले भी तो इंपेरेटिव बनेगा, पहला आंसर है। ये बेकार की बातें हैं आपके लिए, पार्टिसिपल वगैरह सब बेकार, क्योंकि यहाँ मीनिंग है खाना बनाओ और मेहमानों को दे देना, आंसर इंपेरेटिव आएगा, पहला आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्रेड, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, यहाँ पे ट्री है सॉरी, ठीक है कर लेना साहब ट्री। तो ये बता रहे हैं बंदर जो था वो पेड़ पे चढ़ गया रोटी उठाते ही। बच्चों जब काम ना बहुत तेजी के साथ में हो तो पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया करो, जैसे पिता को देखते ही उसने सिगरेट बुझा दी, भाई को देखकर ही उसने वहां से भागना शुरू कर दिया, रोटी उठाते ही बंदर भाग गया, कूद गया, कुछ भी। तो यहाँ पे आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल की लेनी है, पहला आंसर है। रोटी उठाकर या रोटी उठाते ही बंदर पेड़ पे चढ़ गया, ये आंसर है, ये मत लगाना गलत हो जाएगा। ये थोड़े समय अंतराल के बाद होता है, एक काम हुआ फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन ये तुरंत हुआ है, तो इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दीज मेजर्स हैव बीन टेकन विद ए व्यू टू के बाद में इंक्रीज का इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीज वर्ब के रूप में है और आई एन जी लेगी। याद है आपको विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू के साथ आई एन जी आती, इंक्रीजिंग कर दो। ये मापदंड, ये कदम उठाए गए हैं इस नजरिए से कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, सी पार्ट में गलती है, आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वॉज नॉट एवर्स के बाद में बच्चों प्रीपोजिशन टू आती है और एवर्स टू के बाद आई एन जी बढ़िया है, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं किसी भी लड़के से लड़ने के लिए जो मुझे चैलेंज देगा, मतलब ये कह रहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं लड़ सकता हूं जो भी मुझे चैलेंज देगा उस व्यक्ति से लड़ने के लिए। आ जाइए डर्ट एंड डिजीज, पहले बताओ बच्चों गंदगी और बीमारी जो है बच्चों की ग्रोथ के लिए कॉन्ड्यूसिव तो होंगी नहीं, ये तो लाभदायक होती है, इसे हटा दो आप, ये भी अच्छी होती है तो अच्छी थोड़ी होती है सेहत के लिए, दोनों को हटा दो, ये दोनों बच रहे हैं। अब ध्यान रखें बच्चों ये व्यक्ति के लिए यूज होता जब व्यक्ति को बताना हो, क्योंकि इसमें होता है बच्चों के खिलाफ होना, के खिलाफ नाराजगी है उसे, ये आता है बच्चों वस्तु के लिए, और ये होती है नुकसानदायक, अगर कोई चीज नुकसानदायक है तो। अब हमारा जो सेंटेंस है उसमें यही तो है, धूल और बीमारी नुकसानदायक है, बच्चों आंसर चौथा होगा इसका। ये वर्ड पावर थी थोड़ी सी, बाकी बातें मैं आपसे कल करूंगा, कोई जल्दबाजी में नहीं हूं मैं, मुझसे कहो तो मैं कुछ और समझा दूं, लेकिन इसमें समझा के होगा क्या, इसे सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरन पार्टिसिपल इन्फिनिटिव कांट हेल्प बट विद ए व्यू टू ये सब पढ़ा होगा वही कर पाएंगे, क्यों इसमें फालतू टाइम दूं। कल की क्लास में थोड़ा सा हम रुक के चीज़ें समझा सकते हैं, जो नया होगा वो भी समझ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।